कई लोग ना फेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जो भी करना है मतलब क्रीम्स लगा ली, ये लगा लिया, सब कुछ फेस के ऊपर कर लिया और फेस जो है अच्छा कर लिया। बट व्हाट अबाउट योर बॉडी? बॉडी उनकी डिफरेंट दिखती है, मतलब अलग से कुछ टोन दिखता है उनका और उनका फेस का टोन अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हो। आप अपने फेस का ख्याल तो रख रहे हो, क्रीम्स लगा रहे हो, स्क्रब कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, बट आप अपनी बॉडी को भूल गए हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं डार्कर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपकी बॉडी के फुल बॉडी वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग भी देगा और साथ में ये मेडिकेटेड है और सेफ भी है। ठीक है जी, इस प्रोडक्ट को आपने कैसे यूज करना है और किस तरह से इसके बेस्ट रिजल्ट्स आप ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। फ्रेंड्स सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो ये वीडियो बिना स्किप किए देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, नीचे रेड बटन दिख रहा होगा वो क्लिक करके ग्रे कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालू आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माय फेयर सोप। काफी पॉपुलर भी है और इवन आपको ये केमिस्ट शॉप्स पे, ऑनलाइन, अमेजोन पे इजीली आपको मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते दामों में भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स पे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इंग्रेडिएंट से ही पता चलता है प्रोडक्ट कैसा है, सेफ है नहीं सेफ है, इफेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला गया है वो है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट को भी हम लोग बोलते हैं यस्टी मधु पाउडर। ठीक है जी, ये आपको कॉस्मेटिक क्रीम्स के अंदर मिलेगा, फेस पैक्स में भी मिल जाएगा। आप अगर सेपरेट इसको बाय करना चाहते हो लिकोराइस पाउडर को, वो भी आप कर सकते हो। मेनली फ्रेंड्स लिकोराइज जो होता है आपकी स्किन को विद इन ये लाइटन अप एंड वाइटन अप करने के लिए हेल्प करता है फ्रेंड्स। ठीक है जी, ये काफी डीपली आपके इनसाइड स्किन के अंदर जाके इन अंदर से कह लो स्किन के अंदर से ये रिपेयर करता है ताकि आपको जो है ब्राइटर एंड वाइटर स्किन टोन मिलने लगे। मतलब अगर आपकी स्किन टोन नंबर थ्री है, आपकी स्किन टोन नंबर टू हो जाए, ये उसमें हेल्प करता है फ्रेंड्स। ठीक है, इन अ रेगुलर यूज में आपको इसको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी, अगर आप चेक करोगे ना अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह में भी, तो भी आपको ये लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट जो है डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स में ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ जो है फील देगा। और इसमें डाला गया है फ्रेंड्स विटामिन सी। विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और मेरे चैनल पे बहुत बार मैंने जो है इस इंग्रेडिएंट का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, डीपली आपको बताया भी है फ्रेंड्स। बट स्टिल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, विटामिन सी आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है फ्रेंड्स। आपकी फेस की इलास्टिसिटी मतलब स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है फ्रेंड्स। और साथ के साथ ना अगर आपका कोई कोलाजन जो है कम हो गया है उसको भी ये बूस्ट अप करता है। अब कोलाजन क्या है फ्रेंड्स, अगर आपका कोलाजन अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन टाइट रहेगी, यूथफुल रहेगी। और साथ के साथ फ्रेंड्स ये मेलानिन प्रोडक्शन को भी कम करता है। ठीक है जी, मेलानिन प्रोडक्शन क्या होता है, अगर आपकी स्किन में मेलानिन ज्यादा हो जाता है तो आपकी स्किन जो है डार्कर साइड में चली जाती है। अगर वो कंट्रोल हो जाए या वो कम हो जाए तो आपकी स्किन जो है ऑटोमेटिकली जो है लाइटन अप होनी स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है जी, फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले जो मेरी करंट हेयर केयर चल रहा है इस समय वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो है ममाअर्थ की तरफ से ओनियन रेंज है, ये है ममाअर्थ ओनियन हेयर ऑयल, ओनियन शैम्पू
एंड ओनियन कंडीशनर फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें मैं आजकल यूज कर रही हूँ और इसके मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं फ्रेंड्स। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ, अगर आप लोगों के हेयर फॉल हो रही है या आपके हेयर डैमेज हो चुका है तो आप लोग ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका जो ओनियन हेयर ऑयल है फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे लगा के हल्का सा रब करना है और हल्की सी आपने मसाज करनी है सिर पे और इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। रिकमेंडेड मैं यही कहूंगी, आप ओवरनाइट छोड़िए, जैसे मैं छोड़ती हूँ, मुझे इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है आप 2 to 3 hours के लिए छोड़ सकते हो एंड देन आपने वॉश कर लेना है। वॉश आपने करना है ये ममात ओनियन शैम्पू से, ये भी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है फ्रेंड्स। आप पूरी अगर रेंज यूज करते हो फ्रेंड्स तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपके हेयर फॉल्स पे, ठीक है जी। तो ये जो ओनियन शैम्पू है फ्रेंड्स, ये बना है ओनियन एंड प्लांट कैराटिन से, ठीक है जी। ये आपके बालों को नरिश करेगा, आपके स्ट्रैंड को ये स्ट्रेंथन करेगा और साथ में आपको शाइन भी प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स। और अमेजिंग पार्ट ये है कि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है फ्रेंड्स। शैम्पू के बाद फ्रेंड्स कंडीशनर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, स्पेशली इन विंटर्स बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी। सो ममा आपका ये ओनियन कंडीशनर मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, काफी अच्छा है, काफी ज्यादा नरिशिंग है, हाइड्रेटिंग है। आपने जब हेयर वॉश कर लिया है, हल्के गीले बालों में नीचे नीचे आपने जो है इसको लगाना है, 2 to 3 minutes के लगा के ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद रिंस कर लो सिंपल वाटर के साथ, और आपके बाल जो है फ्रेंड्स काफी ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेजेबल हो जाएंगे इसके बाद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड भी कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये मेड इन इंडिया है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और क्या चाहिए हम लोगों को, राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हो ये प्रोडक्ट्स बाय करने में तो मेरा आप लोगों को कूपन कोड मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप लोग चेक कर सकते हो और बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। और साथ के साथ फ्रेंड्स ममाअर्थ ने ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की हुई है, आप वहां पे भी इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या कोई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो आप वो मिस ना कर सके, ठीक है जी। फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने ये जो माइफेयर सोप है वो यूज कैसे करना है, ठीक है जी। ये जो सोप है फ्रेंड्स आप अपने फुल बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, जब आप नहाने जाते हो, ठीक है, जब आपने बाथ लेनी है तब आपने पूरे बॉडी पे इसको यूज करना है, लेदर करना है, इसका फॉर्म बना लेना है, ठीक है, अच्छे से यूज करना है, कंजूसी नहीं करनी आपने, ठीक है जी। एंड आप जो है ये सोप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो, लाइक अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं रिकमेंड करूंगी फेस पे आप मत यूज कीजिएगा। बट अगर आपका कोई भी लाइक एक्ने नहीं है, एक्ने प्रोन स्किन भी नहीं है, देन आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई स्ट्रांग मेडिकेटेड क्रीम्स फेस पे नहीं लगा रहे हो तब आप जो है ये माइफेयर सोप जो है अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। द रीजन मैं आप लोगों को मना इसलिए कर रही हूँ, एक्ने प्रोन स्किन जो होती है वो थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है और ना बैक्टीरियाज बहुत जल्दी आते हैं, तो वो लोग जो है अपना स्पेशलाइज्ड जो फेस वॉशेज होते हैं वो ही यूज करें तो ज्यादा प्रेफरेबल मैं बोलूंगी, चांस मत लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह प्रॉब्लम है फेस पे, मलाजमा की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, देन आप जो है बिंदास होके यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है जी। रिकमेंड मैं ये करूंगी फ्रेंड्स कि आप जो है ये माइफेयर सोप ट्वाइस अ डे यूज कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, बट जैसे कि विंटर्स हैं तो आप एक बार भी यूज कर सकते हो और गर्मियों में आप दो बार यूज कर लीजिएगा, ठीक है जी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कोई अच्छा बॉडी ऑयल इसके बाद लगा ले या अपना बॉडी मॉइस्चराइजर फुल बॉडी पे लगा सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी नरिश भी रहेगी ना तो भी आपका जो टोन है या कोई डार्क स्पॉट्स हैं वो जल्दी रिमूव होने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आप फुल बॉडी वाइटन अप करना चाहते हो या लाइटन अप करना चाहते हो या डार्क स्पॉट्स रिमूव करना चाहते हो, आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान में बात रखनी चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, आपने जो है अच्छा पानी जरूर से पीना है फ्रेंड्स, और आपने ना एटलीस्ट एक कोई भी मल्टी वाइटमिन अपने डाइट में ऐड कर लेनी है, ठीक है जी।
मैं आप लोग को कुछ मल्टीविटामिंस का नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पर्सनली जो मैं यूज कर रही हूँ वो है जिंकोवेट. काफी अच्छी है क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के विटामिंस को पूरा कर लेते हो तो वो धीरे धीरे जो आपका बॉडी में कोई भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है, कमी की वजह से कोई आपको मार्क्स आ चुके हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है फ्रेंड्स. क्योंकि अगर आप बाहर से कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो, इंटरनली भी आप ठीक होने चाहिए हो ना, तभी तो बाहर से टॉपिकली भी वो चीज़ असर करेगी और उसका असर जो है लॉन्ग टाइम तक चलेगा फ्रेंड्स. ठीक है जी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स. आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. और सब्सक्राइब कर लो, भूल जा रहे हो आप लोग. सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और एक लाइक कर दो. इट्स जस्ट लाइक आप लोग मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हो और ये कम्प्लीटली फ्री भी है. ठीक है जी. सो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.